अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे मैक्रोनी स्पेशल, बहुत ही मज़े की बनती है। और ये मैं कीमे से बनाऊँगी, चिकन के कीमे से। उसके लिए मैंने लिया है 1.5 पाव कीमा चिकन का, तो उसको मैंने ड्राई करके रख लिया है। पानी बिल्कुल इसमें से निकाल लिया है। 1/2 कप मैं इसमें केचप डालूँगी, चिली गार्लिक यूज़ कर रही हूँ। और ये मैंने वेजिटेबल्स लिए हैं कुछ, 1/2 कप ये शिमला मिर्च है लंबी काट ली है, 2 अदद मैंने गाजरें लिए काट लिए हैं, और ये मैंने 1 कप बंद गोभी का काट लिया है। और ये मैं लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 टेबलस्पून, ये सोया सॉस लिया है 2 टेबलस्पून, चिली सॉस है 2 टेबलस्पून, और सिरका है 1 टेबलस्पून, ठीक है। और इसमें मैं क्या ऐड करूँगी, ये काली मिर्च मैंने कूट ली है, ये 1 टीस्पून है, नमक है 1 टीस्पून, ओरिगैनो है 1 टीस्पून, और थाइम है ये 1/2 टीस्पून है, ठीक है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैं ऑयल डालूँगी 1/4 कप या उससे थोड़ा सा कम डालूँगी। इसमें इसमें अब मैं डालूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है, इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और इसमें हम डाल देंगे कीमा, ये हमने कीमा ऐड कर लिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे, इसको फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट। ये मैंने मैक्रोनी बॉयल कर लिया है, 1 पैकेट लिया है, इसको मैंने ऑयल लगा के रखा हुआ है, ठीक है। ये हमने कीमे को फ्राई कर लिया है 3 से 4 मिनट, इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये मसाले जो मैंने आपको बताए हैं, इसको मिक्स करते हैं। ये हमने मिक्स कर लिए हैं मसाला जादू हमने ऐड किए थे। अब हम इसमें ये सॉसेज ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून मैंने सिरका सोया सॉस, 2 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस, और 1 टेबलस्पून मैंने सिरका ऐड किया है, ठीक है। इसको मिक्स कर लेते हैं ऐसे तरीके से। अब हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल्स और इसको मिक्स करेंगे। ये हमने 1 मिनट इसको फ्राई कर लिया है वेजिटेबल्स को। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस, ठीक है, केचप है ये चिली गार्लिक, ये हमने ऐड कर ली है केचप। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ये हमने वेजिटेबल्स को भी फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें जो मैक्रोनी बॉयल की थी वो ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। ये हमने मिक्स कर लिया है, अब चूल्हा ऑफ करते हैं और इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए व्यूज़, हमारी मैक्रोनी चिकन मैक्रोनी की फ़ाइनल लुक देखें। मैंने कीमे से बनाई थी और वेजिटेबल ऐड की है, बहुत ही ईजी और सिंपल रेसिपी है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए घर में, तो और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।